नमस्कार, मैं अशोक मिस क्लाउन। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। इस वक्त मैं हूं वाराणसी के सेवापुर स्थित खजुरी विधानसभा में, जहां प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा भी समाप्त हुई है। प्रचार के अंतिम दिन प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी रणक्षेत्र बनारस के सेवापुरी में कांटे की टक्कर है। यहाँ अपना दल के प्रत्याशी नील रतन पटेल भाजपा के सिंबल पर चुनावी मैदान में हैं। उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के सुरेंद्र पटेल। आज प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग के बाद देखना है यह कितना रंग लाता है 7 तारीख को मतदान के दिन। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये बनारस की सरजमीन है। आपने 2017 में भी बताया था, 2014 में भी बताया था, 2019 में भी बताया था, उसके बाद भी विपक्ष के कुछ लोगों का दिमाग ठीक नहीं हुआ। के निशान का बटन इतना दबा दो और दबवा दो कि विपक्ष दोबारा बनारस की धरती पर आने की हिम्मत न कर सके। जनता पार्टी के तरफ से, अपने तरफ से, मंच के तरफ से, कमल निशान के तरफ से, अपने योगी आदित्यनाथ महाराज जी के तरफ से, मैं पूज्य मोदी जी के तरफ से, नौजवानों ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। 11 तारीख को बुलडोजर चलने वाला है, बुलडोजर के रोकने वालों को आवाज जाए, बोले भारत माता की, भारत की। आज इस सेवापुरी की धरती पर, इस ऐतिहासिक महारैली के इस आयोजन के समय यहां पर उपस्थित, कि अपने वोट का आपको दान नहीं करना है, अपने वोट का प्रयोग करना है, अपने वोट का प्रयोग अपने भलाई के लिए करना है। साथियों, जिस तरीके से अगर बंदूक में गोली भर दी जाए और वो बंदूक जब तक आपके हाथ में रहेगा, आप अपने दुश्मन से अपनी हिफाजत कर सकते हैं। कमल 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 कमल, कभी पर बैठ कर लक्ष्मी नहीं आती, ना हाथ के पंजे पर लक्ष्मी बैठ कर आती। मित्रों, लक्ष्मी तो कमल के फूल पर ही बैठ कर आती है। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से खड़े होके, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। विश्वकर्मा जी से आग्रह करूंगा कि अंग वस्त्र हुआ इसमें चिन्ह देके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके विचारों की ऊंचाई और जिनके शब्दों की गहराई विपक्षियों को अक्सर निरुत्तर करने का काम करती है, ऐसे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने मन की बात करके देशवासियों की आत्मा को छूने का काम किया है, दुनिया के सबसे बड़े कोरोना टीकाकरण अभियान के महानायक और देश के सर्वस्पर्शी संतुलित विकास को नए स्वरूप में परिभाषित करने वाले, अपने अथक परिश्रम क्षमता से आपकी कर्जदार रहूंगी। मैं आप सबसे यह भी कहना चाहती हूं कि आपने इतने वर्षों तक जिन दलों के बारे में ये सोचा कि वो पिछड़ों के रहनुमा हैं, दलितों के रहनुमा हैं, कमजोरों के लिए हक के लिए लड़ने वाले हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अपनी बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत जो उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें कई कई बार सौंपी, उस ताकत के बावजूद भी पिछड़ों के, दलितों के, कमजोरों के हर सवाल पर वो खामोशी रहे। बाकी है, आप सबने 6 चरण में ईवीएम का बटन दबाकर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में अपने विश्वास की मोहर लगा दी है, और पहले चरण से एनडीए के पक्ष में जो बयार बहनी शुरू हुई है,
आज यहाँ सातवें चरण तक आते आते ये काशी की धरती है, माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, ये तूफान का रूप धारण कर चुके हैं। इसलिए मैं आप सबसे ज्यादा लंबी बात ना कहते हुए सिर्फ इतना आग्रह करना चाहती हूँ कि 7 तारीख को हमारे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के चुनाव निशान कमल के सामने का बटन दबाकर अपना दल के हमारे प्रत्याशियों के चुनाव निशान कप प्लेट के सामने का बटन दबाकर आप सब इस एनडीए गठबंधन के माथे पर विजय श्री का तिलक लगाने का काम करेंगे। इसी अनुरोध के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, साधुवाद व्यक्त करते हुए अपनी बात कि हम सब काशीवासियों का आशीर्वाद दें। हर हर महादेव। सेवापुरी रोहनिया भाई और बहनों, इस चुनाव में मेरी ये आखिरी सभा है। ऐसा चुनाव जब कोई सरकार अपने काम पर, अपनी ईमानदार छवि पर भेदभाव और पक्षपात रहित विकास पर और एकजुट होकर कह रहा है आएगी तो भाजपा ही, परिवार का भला करे, क्या ऐसे लोगों का आप साथ देंगे क्या? जो घोर परिवारवादी है इनका साथ दोगे क्या? साथियों, साल दंगे करवाए, अवैध कब्जे और लूट खसूट इनके घोषणा पत्र में नहीं था, इनकी यही सबसे बड़ी उपलब्धि रही। स्कूलों, थानों, दफ्तरों में भाई भतीजावाद, कर्मचारियों का शोषण, ये उनके घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन इस पर इन्होंने मन से पूरी ताकत से काम किया। घोर परिवारवादियों की कोरी घोषणाएं हैं जो कभी पूरी ही नहीं हो सकती। जान ली, यहां तो झूठ भरे बिल्कुल नहीं चलता। इसलिए लोग कह रहे हैं जो आज यूपी की सेवा कर रहे हैं वही अपना काम जारी रखेंगे। साथियों, चीर पुरातन नए हाईवे, नए पुल, नए फ्लाईओवर, पूरा वाराणसी जिला बदलाव की राह पर है। वाराणसी के 3.25 लाख किसान परिवारों के बैंक खाते में 450 करोड़ रुपए पीएम किसान निधि के माध्यम से छोटे किसान के खाते में पहुंच गए। 450 करोड़ रुपया। इसके अलावा राइस रिसर्च सेंटर, कार्गो सेंटर और नए कम हो गंगा काशी में हो रहा है भाइयों का, बिना भेदभाव सबके लिए। वाराणसी को देखकर पूरे पूर्वांचल में विकास का विश्वास पैदा हुआ है। भाई और बहनों, 21वीं सदी का ये तीसरा दशक पूरी दुनिया के लिए नई चुनौतियां, अभूतपूर्व संकट लेकर आया है। आप सभी का है, पूरे उत्तर प्रदेश का है, पूरे देश का, गांव और बिरादरी के मुद्दे भी हल हो जाएंगे।
यूपी के लोगों की इसी भावना को उत्तर प्रदेश चुनाव के हर चरण में मैंने खुद अनुभव किया है। साथियों, ये घोर परिवारवादी इसमें भी राजनीतिक हित ढूंढते रहते हैं। भारत के लोग अगर संकट से लड़ते हैं तो ये उस संकट को और गंभीर बनाने के लिए उसमें जो भी परेशानियां पैदा कर सकते हैं पूरी ताकत से करते रहते हैं। ये हमने कोरोना के दौरान भी देखा और आज यूक्रेन संकट के दौरान भी हम यही अनुभव कर रहे हैं। भाई और बहनों, अंधविरोध, निरंतर विरोध, घोर निराशा, नकारात्मकता, यही इनकी राजनीतिक विचारधारा बन चुकी है। वरना देखिए, भारत 2 साल से 80 करोड़ से अधिक गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी मेरे इन परिवारजनों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रहा है। गरीब मां का बच्चा भूखा सोना नहीं चाहिए और इसलिए 2 साल से हिंदुस्तान में आजादी के बाद कभी भी ऐसी सेवा नहीं हुई है जो सेवा करने का सौभाग्य आप सबने मुझे दिया है। लेकिन भाइयों बहनों, ये घोर परिवारवादी देश कमतर करने में जुटे हैं। दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा समृद्ध से समृद्ध देश 100% कोरोना टीकाकरण मुफ्त टीकाकरण के नजदीक भी नहीं पहुंचा है। भाइयों बहनों, ये लोग घोर परिवारवादी राजनीति के रंग में रंगे लोग राष्ट्र नीति को न कभी समझ पाए हैं, न पचा पाए हैं। इतना बड़ा काम, 130 करोड़ देशवासियों का इतना बड़ा सहयोग, टीकाकरण अभियान पूरी दुनिया में अद्भुत चला हो, लेकिन उनके मुंह से एक सही शब्द निकला है क्या? एक अच्छी बात निकली है क्या? अरे इसमें भाजपा कहां थी? ये तो सीधा सीधा गरीब के बच्चों को बचाने का काम था, क्या उसमें भी तुम्हें तकलीफ हो रही थी? और मैं तो उत्तर प्रदेश की माताओं का आभार मानूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मां बहनों ने मुझे कहा कि शौचालय नहीं, ये तो इज्जत घर है, इज्जत घर। घर में शौचालय नहीं है तो एक गरीब मां को कितनी तकलीफ उठाती है उनको पता नहीं है। सूरज उगने से पहले जल्दी जाने के लिए सोचती है, या तो दिन भर पीड़ा झेलती है और जब तक शाम को सूरज ढलता नहीं वो शौच के नहीं जाती है। आप कल्पना कर सकते हो उस मां को पीड़ा कितनी होती होगी। गरीब के घर में भी शौचालय बनाने का काम हमने पूरे देश भर में चलाया। अब स्वच्छता बढ़ती है तो फायदा किसको होता है भाई? सबसे स्वच्छता बढ़ती है तो गांव में बीमारियां कम होती है, बीमारियां कम होती है तो गरीब का बच्चा बीमार होने से बचता है, गरीब का पैसा बचता है, पूरी जो समाज के लिए अच्छा है वो उनको मंजूर नहीं है। मोदी आज आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, यानी भारत में बने सामान को अपनाने की बात कर रहा है, जिसे बनाने में मेरे देश के लोगों का पसीना लगा हो उसी को मैं अपने सर माथे पर लगाता हूं। अगर ये बात करता हूं तो भी वो उसका मखौल उड़ाते, मजाक उड़ाते हैं। आप मुझे बताइए भाइयों, बनारसी साड़ियां उसका मैं गुणगान करूं कि न करूं? उसका गुणगान करूं कि न करूं? हिंदुस्तान के हर कोने में बनारसी साड़ी बिक जाए तो बनारस के साड़ी बनाने वालों को फायदा होगा कि नहीं होगा? मेरा बनारसी लंगड़ा आम, मैं जहां जाऊं जाऊं मैं बनारसी लंगड़ा आम के गीत गाऊं तो भैया हमारा बनारसी लंगड़ा आम
इन खिलौना बनवाने वाले गरीब लोगों को, मेरे बनारस के लोगों को, मेरे किसानों को, मेरे बुनकरों को, हस्तशिल्पियों को, विश्वकर्मा साथियों को, और इससे उनका आय बढ़ेगा। तो ये अच्छा काम है कि नहीं भैया, मुझे बताइए काम अच्छा है कि नहीं है? ये हर किसी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसमें कोई राजनीति है क्या? इसमें भी उनको तकलीफ है। एक बार भी ये जो हमारे विरोधी लोग हैं, एक बार भी उनसे सुना कि भाई अपने देश में बनी हुई चीजें खरीदो? कारवादी योग का नाम लेने से भी बचते हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर योग की बात करेंगे, हिंदुस्तान के लोगों की तबीयत ठीक होगी, उनका शरीर फिटनेस अच्छी होगी, तो ये तो मोदी का गीत गाएंगे, मोदी का गौरवगान करेंगे, इसलिए योग का भी विरोध। पहना मतलब लोग उसको नेताजी मानकर उसके घर में चक्कर काटते थे। खादी से जितना राजनीतिक फायदा उठाना चाहिए उन्होंने उठाया। लेकिन भाइयों बहनों, जो लोग खादी को भूल गए, खादी को छोड़ दिया, जो खादी गरीब माताओं बहनों को रोजी देती है, जो खादी गांव के अंदर रोजगार देती है, लेकिन मोदी ने उस खादी को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनाने का काम किया, तो उनको खादी बोलने में ही दिक्कत हो रही है। मंडल की बात करूं तो यहां 5 साल पहले, मैं सिर्फ यही की बात कर रहा हूं, 5 साल पहले करीब करीब 90 करोड़ रुपए की खादी की बिक्री होती थी एक साल में, 90 करोड़ की। आज 170 करोड़ रुपए से ज्यादा ये खादी हमारे इस मंडल में बनती है, बिकती है, महोत्सव मना रहा है। मुझे बताइए भाई, आपके परिवार में आपके माताजी का जन्मदिन हो, पिताजी का जन्मदिन हो, या बहू का जन्मदिन हो, या बेटे बेटी का जन्मदिन हो, तो घर के सब लोग उस जन्मदिन को खुशी मनाते कि नहीं मनाते हैं? मनाते कि नहीं मनाते हैं? मनाते कि नहीं मनाते हैं? पूरे परिवार का उत्सव की आजादी, हमारे आजादी के सेनानियों ने इतना बड़ा त्याग तपस्या की, बलिदान दिए, उस आजादी को 75 साल हुए, ये सब हिंदुस्तानी को गौरव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इनका दिल में मोदी के प्रति इतना विरोध भरा पड़ा है कि उनके मुंह से ये आजादी के अमृत महोत्सव का आनंद और भागीदारी करने से भी कतराते हैं। 6 चरणों में इनको यूपी की जनता ने नकारा, और अब 7वें चरण में आपको इनका हिसाब पूरा करना है। सबका साथ सबका विकास भाजपा के लिए सिर्फ एक नारा भर नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारी प्रतिबद्धता है। इससे सरकार के लाभ हर लाभार्थी तक बिना पक्षपात, बिना भेदभाव पहुंचाने की प्रामाणिकता तो है ही। इसमें हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर बिरादरी को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का संकल्प भी है। सबका प्रयास से राष्ट्र विकास की यह भावना पार्टी और सरकार दोनों में दिखती है। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, पार्टी से लेकर मंत्रिमंडल तक, महिलाओं, दलितों, पिछड़े आदिवासी समाज की भागीदारी आज अभूतपूर्व स्तर है। ये भागीदारी और सशक्त होगी, ये मैं आपको वादा करने आया हूं। गरीब को पक्के घर देने का अभियान और तेज होगा। 10 मार्च के बाद गरीब को गैस कनेक्शन का अभियान और तेज होगा। 10 मार्च के बाद रोजगार देने का अभियान, सरकार में नौकरी देने का अभियान और तेज होगा। 10 मार्च के बाद नई सड़कों का, नए हाईवे एक्सप्रेसवे का, नए रेल रूट का काम और तेज किया जाएगा। और जो ये मुट्ठी भर अपराधी माफिया फिर बाहर निकलने के लिए सपने देख रहे हैं,
मुंडी दिखाना शुरू किया है। कानून उनका हिसाब भी चुकता करे, ये काम भी तेज किया जाएगा। विशेष रूप से मैं बहन बेटियों से कहूंगा, खास करके मेरी बहन बेटियों से मैं कहूंगा, हर कोने में इस चुनाव में भी मैं जहां जहां गया हूं, माताओं बहनों ने जो मुझे आशीर्वाद दिए, एक प्रकार से माताएं बहनें मेरा रक्षा कवच बनी हुई है। मां जो मेरा साथ दे रही है ना, माताएं बहनें, मैं आपका एडवांस में धन्यवाद करने आया हूं। मैं एडवांस हमारी बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा पहले भी डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता थी और आगे भी रहेगी। इसलिए मेरी माताओं बहनों को मैं आग्रह करूंगा, निकल पड़िए, अभी दो दिन आपके पास है, निकल पड़िए मेरी माताएं बहनें, सारा निर्णय आप करवा दीजिए। देखिए मेरी बहन बेटियों की इज्जत, मेरी मां बहनों की इज्जत, मेरी बहन बेटियों की सुरक्षा, इसके लिए हम पूरी जिंदगी खपा देते कि नहीं खपा देते। श्री माता, आज मैं आपके जिंदगी में इससे बड़ी कमाई क्या होती है, पुण्याई क्या होती है। और माताएं बहने, कल मैं कहता हूं रोड शो में मेरी माताएं बहने जब बढ़ चढ़ करके आई थी, ये बात इस बात का सबूत है कि इस बार उत्तर प्रदेश का भविष्य भी मेरी माताएं बहने फैसला करने जा रही है। आप सबसे मेरा आग्रह है, आपको भाजपा को, अपना दल को, निषाद पार्टी को भारी मतों से जिताना है। और भाइयों बहनों, अपना दल के लिए वोट मांगने का मेरा भी हक बनता है। उनका परिचय तो मेरा बाद में हुआ, मेरा परिचय सोनेलाल जी से रहा हुआ है। और सोनेलाल जी की गरीबों की भलाई के लिए जो जिद थी उनके मन में, कभी समझौता नहीं करते थे जी, और गरीबों का शोषण करने वालों का वो कभी साथ नहीं दे सकते थे। वो सोनेलाल जी के सपनों को पूरा करने का आज हमारे पास अवसर आया है, इसलिए अपना दल के लिए भी वोट मांगने का मुझे हक है भाइयों। निषाद पार्टी, अगर हमारे निषाद समाज के लोग, उनके जीवन में बदलाव आएगा, वो जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो गरीबी अपने आप जाना शुरू हो जाएगी। मेरे छोटे किसान, उनकी जिंदगी बदलेगी तो मेरे गांव की जीवन बदल जाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। इसलिए मैं कहने आया हूं, भाजपा का कमल हो, अपना दल का कप प्लेट हो, या निषाद पार्टी की भोजन भरी थाली हो, मैं आपसे यही कहने आया हूं, पहले मतदान फिर दूसरा काम। लोकसभा के चुनाव में भी आप लोगों ने इतनी बड़ी रैली नहीं की थी, आज इतनी बड़ी रैली की है, इतनी बड़ी रैली, मैं सचमुच में आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन अब इतनी बड़ी रैली हो गई, आज 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा, तो आप घर जाके सो जाओगे क्या, सो जाओगे क्या? अब तो हो गया करना। जब तक मतदान पूरा नहीं होता है, हमें घर घर जाना है। जाएंगे, घर घर जाएंगे, जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, घर घर जाएंगे, मेरा एक काम करेंगे, जरा सब लोग हाथ ऊपर करके बताएं तो मैं बोलूं। मोदी जी आए थे, मोदी जी ने अपना प्रणाम आपको पहुंचाया है और आपके आशीर्वाद की कामना की है। पहुंचा दोगे, पहुंचा दोगे, घर घर जाकर के मेरे प्रणाम पहुंचाओगे? भाइयों बहनों,
ये प्रणाम पहुंचाओगे ना तो मन से वो मुझे आशीर्वाद देंगे। और जाना मेरे प्रणाम पहुंचाना और मतदान के दिन एनडीए के सभी साथियों को जिताने के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान कराइए। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं पूरे उत्तर प्रदेश को, खास करके उत्तर प्रदेश के सरकार के अधिकारियों को, पुलिस विभाग के लोगों को आज मेरी चुनाव की आखिरी सभा में उन सबका अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान करवाया। मैं इलेक्शन कमीशन का अभिनंदन करता हूं कि 6 चरण में इतना शांतिपूर्ण और इतना शानदार मतदान का प्रबंध किया। इसके लिए उनको मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं कि उनकी इस व्यवस्था शक्ति के कारण लोगों का लोकतंत्र पर भी विश्वास बढ़ता जाता है। चुनाव अभियान के दरमियान आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और हमारे एनडीए के साथियों की जो चिंता की है, हमें जिस प्रकार से संभाला है, जिस प्रकार से जहां हम नहीं पहुंच पाए वहां जनता जनार्दन पहुंच गई है, इसलिए आज इस आखिरी चुनावी सभा में मैं देश में इन 5 राज्यों के मतदाताओं का भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, सबका धन्यवाद करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। और 10 तारीख को, इस बार 10 तारीख को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो रंगों वाली होली उसी दिन शुरू हो जाने वाली है। तो रंगों वाली होली मनाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा भी समाप्त हो गई है और इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा। अध्यक्ष जी, आज सेवापुरी की खजुरी में आपके प्रधानमंत्री जी की जो जनसभा समाप्त हुई है, सेवापुरी की सीट पर आप क्या उम्मीद करते हैं? सबसे पहले आपको नमस्कार देता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि जब जब उन्होंने आशीर्वाद दिया है 2013 से लेकर आज तक, तब तक हम लोग वाराणसी जिले में सेवापुरी नहीं, सेवापुरी सहित 8 विधानसभा जीते हैं। और आज भी जो उनका आशीर्वाद मिला है, माँ बहनों के प्रति, नौजवानों के प्रति, बेरोजगारों के प्रति, किसानों के प्रति या देश के प्रति जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है, निश्चित तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि ये 8 विधानसभा हम लोग जीतने जा रहे हैं। और जो उन्होंने अपना कहा है कि घर घर जाकर मेरा प्रणाम करिए, इसके लिए भी बहुत उनका आभार हम लोग व्यक्त करते हैं। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो होली आ रही है, निश्चित तौर पर विजय की होली हम लोग खेलेंगे। मैं जनता से अपील करूंगा कि जब तक इस धरती पर रहें, तब तक भारतीय जनता पार्टी उनको उनका आशीर्वाद ले और उनको आशीर्वाद देकर प्रधानमंत्री बनाते रहे। माननीय मोदी जी ने आज पूरे काशी की जनता को ये संदेश दिया है कि सब लोग संगठित होकर के फिर से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार को इस उत्तर प्रदेश में बनाइए, जिससे हमारे किसानों का, हमारे बुनकरों का, हमारी माँ बहनों का, हमारे नौजवानों का मान सम्मान उनके हाथों में मिल सके।
मैं देखिए राकेश कुमार पाठक भारतीय केसरिया वाहिनी गरमदला रसस्का मंडल का संगठन मंत्री हूँ और सेवापुरी के विधानसभा प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से गांव सभा पनीरा का बुद्धा अध्यक्ष हूँ। मैं यही बात कहूँगा कि जो प्रधानमंत्री यदि प्रत्याशी को आशीर्वाद दे देता है तो उसको माई कलाल कोई रोक नहीं सकता और नीलू जी यहाँ से 1,00,000 वोटों से जीतेंगे। इस वक्त हमारे साथ केशव यादव जी, ये सेवापुरी सीट जो है ये काफ़ी टफ है। अब तक जब हम लोगों ने जहाँ जहाँ भी सर्वे किया है लोग प्रत्याशी से काफ़ी नाराज़ हैं। आज मोदी जी के इस सभा के बाद क्या कुछ बदलाव होने की उम्मीद नजर आ रही है? सर ये तो विश्व एडवाइजर माननीय मोदी जी हैं, ये पूरे विश्व को कमांड करते हैं, तो ये सेवापुरी तो हम कमांड कर सकते हैं केशव यादव के रूप में। जितने ऐसी हम अनुसूचित बस्ती में कई समाज में से गए है ना, जो आज भी वो सीधे कर रहे, मैं माननीय मोदी कल फूल पे बटन दबाऊंगा। तो ये देखिए जोश है मोदी जी की सभा के बाद नीलू के पक्ष में लगता कमल खिलेगा। हर के अंतिम दिन प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी रणक्षेत्र बनारस के सेवापुरी में कांटे की टक्कर है। यहाँ अपना दल के प्रत्याशी नील रतन पटेल भाजपा के सिंबल पर चुनावी मैदान में हैं। उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के सुरेंद्र पटेल। आज प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग के बाद देखना है यह कितना रंग लाता है 7 तारीख को मतदान के दिन। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।